औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडेंट्स, टुडे आई हनान आरा टीचर एच एस का स्लो डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑफ क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट इज 25/6/2020 एंड द टॉपिक इज द मैन Who empowered the blind? The man who empowered the blind. वो इंसान जो blind अंधों को बाइख्तियार बनाता है, ये है lesson का नाम। तो पहले हम इसमें जो new words है, tough words और glossary we can say, वो देखेंगे। First is harness, an arrangement of leather straps and metal pieces by which a horse would. वो जो हॉर्स के ऊपर वो लेदर का वो स्ट्रैप होता है ना, वो बनाना, उनके लिए बनाना। सैडल, अ सीट फॉर ए राइडर। फिर एक उसके ऊपर एक राइडर, जब हॉर्स के ऊपर बैठता है एक इंसान, तो उसकी एक बाज़ाब्ते एक सीट बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द सैडल। ऑल, अ स्मॉल पॉइंटेड हैंड टूल फॉर मेकिंग होल्स इन वुड लेदर एट्सेट्रा। ऑल एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे लेदर को बीच में वो होल्स बनाते हैं। ज़्यादा फ्लिप अप टर्न ओवर इन द आयर का, कैन वॉकिंग स्टिक चलने के लिए जो अंधे पकड़ते हैं। टैप, ए जेंटल साउंड और स्ट्रोक मेड बाय हैंड और सम ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ से एक साउंड, टिक टिक की साउंड होना। सेलो, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एफ्लिक्ट, कॉज सफरिंग। एम्बॉस, रेज और प्रिंट ए डिज़ाइन। कुन पैटर्न का डिज़ाइन खुनित कारण, that's called the emboss. Code, a system of letters or symbols which represent something in a secret or short form. Code thawan insan kun tiwanan kis insan thawa code un pat pukaran temis, that's called the code. Then pound, strike heavily, tremendous, huge. Score, written version of the music for a film or play. These are some tough words. तो पहले स्टार्ट करेंगे हम ये लेसन। हैव यू एवर बीन इन अ रूम व्हेन द लाइट सडनली गो ऑफ एंड एवरीथिंग बिकम्स डार्क। कहते हैं कि जब आप कभी कमरे में होते हो तो अचानक से लाइट्स बंद हो जाती है, तो सब कुछ हमें डार्क नज़र आता है, अंधे अंधे पूरा डार्क हो जाता है। How lost you feel? आपको कैसा फील हो जाता है? But then the lights come back and all is well for you. लेकिन लाइट्स फिर से आ जाती है और फिर से वैसा ही हो जाता है। Imagine someone whom the lights never come back and his or her world is dark all the time. दोस्तों, आप खुद सोचो कि जिसके पास लाइट्स कभी वापस नहीं आएंगे तो उसके लिए दुनिया कैसी होगी। These are the sightless people whose eyes can't see. तो ये वो इंसान है जिनकी आँखों की रोशनी नहीं है और वो कभी नहीं देख पाते हैं। हियर इज़ द स्टोरी ऑफ वन सच पर्सन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। एक ऐसे इंसान की स्टोरी है ये इस लेसन में, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अंधों को बाइख्तियार बनाता है, उनको पढ़ना और लिखना सिखाता है। लुइस बैरली वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ कोपरे नियर पैरिस फ्रांस इन 1809। लुइस बैरली एक लड़का होता है, वो पैदा होता है एक विलेज में कॉपरे पेरिस में 1809 में। मोस्टली बैरल्स लुइस फादर मेड हार्नेस एंड सैडल्स विद एन आल। उसका जो बाप है वो सुई आल, हम सुई को ही कहेंगे, उससे वो लैदर्स लिए का काम करता रहता है। वन डे लेटर लुइस पिकड अप द आल एंड मेड अ स्टैप एट द लैदर एज द बेंट डाउन द आल सडनली फ्लिपड अप एंड इंजर्ड हिज हाइज लिविंग हिम ब्लाइंडेड। नाउ द 3 year ओल्ड लुइस वॉज इन टोटल डार्कनेस नेवर टू सी अगेन। एक दिन ऐसे ही लुइस छोटा सा था, ये हाथ में उठाता है सुई और लैदर के अंदर चुबाता है, लेकिन सडनली अपने हेड को, सर को डाउन करता है तो ये सुई उसकी आँख में चली जाती है और वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। दोज डेज दिस ब्लाइंड इन द बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वर ऑफन ट्रेनड टू बी बैकर्स। उन दिनों जो भी ये मतलब ब्लाइंड होते थे यूरोप में, एशिया में, उनको ट्रेन किया जाता था भीख मांगने के लिए। पुअर मॉन्सियर बैरली कुड
नेवर फॉरगिव हिमसेल्फ फॉर द एक्सटेंट टू हिज सन एंड एवरीबडी ट्राई टू मेक लाइफ इजियर फॉर हिम। मगर ये जो इसका बाप था बैरली, लुइस बैरली का बाप था, वो अपने आप को कभी माफ़ ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो सोचता था कि इसके आँखों के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे वजह से हुआ है, और अब सब उसको उसकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। द बॉय हैड अ कैन एंड सून लर्नर टू टैप हिज वे अराउंड द विलेज। इस लड़के को एक कैन दिया गया, एक छड़ी दी गई, तो और वो सीख रहा था अब कैसे गांव में चलेगा। देयर कम्स लिटिल लुइस, सब जब वो चलता था तो उसके उस कैन की आवाज़ से सबको पता चलता था कि लिटिल लुइस आ रहा है। द विलेजर्स सेड व्हेन दे हर्ड द ट्रैपिंग ऑफ हिज कैन, जब भी वो सुनते थे इस कैन की आवाज़ तो उनको लगता था कि लुइस आ रहा है। दे स्क्रैच्ड आउट क्लूज ऑन द रोड सो दैट लुइस वुड काउंट आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैन टैप्स टू टुक इट टुक हिम टू रीच द रोड। उन्होंने छोटे छोटे से स्क्रैचेस लगाए थे रोड्स पे ताकि लुइस अच्छे से काउंट कर सके उन टैप्स को, उसकी आवाज़ को, और उसको याद रहे कि कहाँ से कहाँ तक मुझे जाना है। टैप टैप सो मैनी टैप्स टू द बिग ट्रीज, कितने टैप्स बिग ट्रीज तक जाने चाहिए। सो मैनी मोर टू द पॉन्ड, पॉन्ड तक जाने के लिए कितने टैप्स होने चाहिए। देन मैनी मोर टू द हिल्स, पहाड़ की तरफ कितने होने चाहिए। दिस टैपिंग स्टेड विद हिम थ्रू हिज लाइफ एंड वॉज टू मीन मच टू द वर्ल्ड लेटर ऑन। और ये टैप टैप की आवाज़ जो है ये हमेशा उसके साथ रही पूरी जिंदगी। एट होम एज ही ग्रो ओल्डर लुइस ट्राई टू हेल्प हिज फादर इन द हार्नेस शॉप हैंडलिंग द टूल्स एंड बिट्स ऑफ लेदर। थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो लुइस जो है वो अपने बाप के साथ उसकी दुकान पे काम करने लगा, उसके वो छोटे छोटे लेदर के पीसेस को पकड़ता था तो उसकी हेल्प करता था। लुइस फिंगर्स ग्रिव निम्बल एंड स्ट्रांग, अब उसके मजबूत हाथ होने लगे। हिज हियर हियरिंग बिकेम वेरी कीन, हियरिंग पावर जो सुनने की शक्ति थी उसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी। एट द विलेज स्कूल हिज टीचर वॉज अमेज्ड एट हाउ वेल लुइस लर्नड बाई ईयर एंड मेमोरी। विलेज स्कूल में जो टीचर्स थे, जो उसके नज़दीक स्कूल में टीचर्स थे, वो ये सुन के हैरान हो जाते थे कि इसके पास ये इतनी अच्छी मेमोरी कैसे आई है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।